ये एसी बोगी है और देखिए नज़ारा, ये एक बोगी है, ऐसा कुछ 20-30 बोगी यहाँ पे है इसी हाल में। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी ये पाटलिपुत्रा स्टेशन से लौट रहा था, राइट साइड में ट्रैक पे एक पूरी ट्रेन जली हुई नज़र आ रही है। ये वही कहानी है जो अभी कुछ दिन पहले अग्निपथ योजना के विरोध में लोग ट्रेनें जला रहे थे, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, आग लगा रहे थे, तो उसका ये मंजर अभी यहाँ नज़र आता है। एक बार चल के देखते हैं नज़दीक से और अंदर भी जाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा नज़ारा लगता है अंदर से देख करके। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरी की पूरी ट्रेन है जली हुई, तो एक बार नज़दीक जाते हैं और अंदर से दिखाते हैं कैसा है। बड़ा खतरनाक है, केस सब लहकाया होगा इसको। लखीसराय फिर यहाँ लेके आया है। अच्छा, अंदर जाके देखे हैं आप लोग कैसा लगता है? नहीं सर। कहे देखने के लिए कैसा लगता है चढ़ने के बाद? देखते हैं क्या चीज ग्रिल है, देखते हैं चढ़ के। ये एसी बोगी है, आराम से गर्मी हो ठंड हो लोग इसमें सफ़र करते हैं। और देखिए नज़ारा, ये एक बोगी है, ऐसा कुछ 20-30 बोगी यहाँ पे है इसी हाल में। किसी एक बोगी को ही छोड़ा नहीं गया है। ये दिख रहा होगा, ये एसी का डक्ट है। एसी का वेंट, बाकी और कुछ नजर नहीं आएगा, राख और स्केलेटन साइड। जय हो राजनीति की, जय हो अग्निपथ की, अग्निवीर की। चलिए ओके, तो देखा आप लोगों ने राजनीति कैसे देश को और समाज को बर्बाद करने का भी काम करती है। आज हमारे ख्याल से कुछ शायद महीना भर बीता है हार्डली, जोर शोर से अग्निपथ का जो योजना है उसके अंतर्गत बहाली भी चल रही है और कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ गलतफहमी लोगों के बीच पैदा करके और उसके बाद माहौल को ख़राब करके और इस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति, हम लोगों की अपनी संपत्ति को हमारे ही द्वारा जलवाया गया
नुकसान पहुंचाया गया। और अभी फिर देखें उसी अग्निपथ के लिए कि उसमें जाति पूछी जा रही है अग्निपथ योजना के अंतर्गत, और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो अग्निवीर बनवाना चाहती है या जाति वीर और इस तरह की बहुत सी बातें, जबकि सेना में ये भारतीय सेना जब से है, ये तो शुरुआत तो अंग्रेज़ों के ज़माने से हुई है और तब से ये प्रथा चली आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अग्निपथ में सरकार चाहती तो उस प्रथा को बदल के और जाति न पूछने की नई प्रथा चालू कर सकती थी, तो ऐसा नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है। तो हम सभी को, देशवासियों को, खासकर युवाओं को राजनीति से कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है उसका आज हम लोगों ने मंजर देखा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।